हेलो फ्रेंड्स, टेक्टिकल एक्सपीरियंस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ एक नया वीडियो के साथ हाजिर हूं। कैसे आप कलर्ड कैप्सिकम को अपने बालकनी में उगा सकते हैं। ये कैप्सिकम को सीड से कैसे उगाया जाता है, देन उसका केयर और बहुत प्रकार के बीमारियों से कैसे प्लांट को बचाया जाता है, वो सारे आप इस वीडियो में देख पाएंगे। फ्रेंड्स, आप कुछ सीडलिंग्स देख पा रहे होंगे जो कि एक हफ्ता पहले मैंने इस टब में लगाया था। मैंने दो टब में एक ही प्रकार के सीड लगाए थे, दोनों का ग्रोथ थोड़ा सा डिफरेंट है। फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखिए। मैंने प्लांट्स का ग्रोथ उसका टाइम लैप्स के साथ साथ मैंने दिखाया है, और उसका कैसे केयर किया और उसका फर्टिलाइजर कैसे अप्लाई किया, देन उसको बीमारियों से बचाया, वो सारे आप इसी वीडियो में देख पाएंगे। तो चलिए। फ्रेंड्स, एक महीने तक प्लांट का ग्रोथ कैसा था वो आपने ऑब्जर्व किया। अब दूसरे महीने में प्लांट का ग्रोथ कैसा है ये आप देख सकते हैं। मेरे तीन प्लांट में से एक प्लांट का ग्रोथ बहुत ही कम है, बाकी दोनों प्लांट का ग्रोथ ऑलमोस्ट सेम है, और ऑलमोस्ट दोनों प्लांट में ही मेरे फ्लावरिंग होना शुरू हो चुके हैं। ये मेरे प्लांट के ग्रोथ ऑलमोस्ट आफ्टर 80 डेज। एक प्लांट में शूटिंग होना चालू हो गया है, दूसरा जो प्लांट का ग्रोथ बहुत ही कम था उसमें भी शूटिंग शुरू हुआ है, बट उस प्लांट का ग्रोथ ही कम है और नहीं लगता कि उस प्लांट में कुछ हो पाएगा। फ्रेंड्स, आप शूटिंग तो देख पा रहे हैं, बट इसके लिए मैंने क्या क्या फर्टिलाइजर यूज़ किए हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। मैंने अपने प्लांट्स में गोबर और वर्मी कंपोस्ट का अप्लाई किया है और कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया, बट अभी प्लांट में मुझे दिखने लगा है कुछ कीड़ों और फंगस का अटैक हो चुका है, सो इसके लिए मुझे थोड़ा सा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। इस प्लांट का ट्रीटमेंट के लिए मैंने अमेजन से मंगाया है बायोटेक का नीम ऑयल, जो मैं पानी में मिला के प्लांट में स्प्रे करके इस डिजीज को मैं दूर करूँगा।